कोलकाता में महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में आज सीटू राज्य कमेटी ने आईजीएमसी अस्पताल के गेट पर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपियों को सख्त सजा और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। सीआईटीयू राज्य कमेटी की ओर से आज ये मौन प्रदर्शन हम कर रहे हैं आईजीएमसी के प्रांगण में। आपको मालूम है 8 अगस्त को कोलकाता के अंदर जिस रूप में जो सबसे सेफ जगह समाज के अंदर मानी जाती है, जहां सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब अस्पताल एक ऐसी उम्मीद होती है जहां आके मरीज और उसके तीमारदार और आम जनता जो है राहत महसूस करती है। और अस्पतालों के अंदर ही अगर मरीजों की, डॉक्टरों की, मेडिकल कर्मियों की और जो तमाम लोग जो अस्पताल के अंदर कार्यरत हैं उनकी सुरक्षा अगर खतरे में पड़ जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ कोई नहीं हो सकती है। जिस तरीके से कोलकाता में 8 अगस्त को जो रेजिडेंट डॉक्टर, जो एक बच्ची, मैं बच्ची ही कहूँगा, हमसे छोटी उम्र में थी, तो वो जिस रूप में वहाँ कार्यरत थी 36 घंटे से, ये अपने आप में ही एक गंभीर प्रश्न है कि एक डॉक्टर किस परिस्थिति में काम करता है 36 घंटे लगातार ड्यूटी करना और उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के लिए और उसके साथ पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बाहर निकलती हैं और वहाँ सेमिनार हॉल के अंदर जिस रूप में एक जघन्य अपराध को उसको अंजाम दिया जाता है, बर्बर तरीके से रेप किया जाता है, हत्या की जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उसके बाद जो वहाँ की पुलिस है वो लीपापोती करती है, जो प्रबंधन है उस अस्पताल का वो यहाँ तक कह देता है कि आत्महत्या का मामला है। 3 घंटे जो बॉडी है उस लड़की की, डॉक्टर की, उसको देखने की इजाज़त उसके पेरेंट्स को नहीं दी जाती है, पूरी एक लीपापोती होती है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक जन आक्रोश उमड़ा, ना केवल डॉक्टर और मेडिकल लाइन के कर्मचारी, तमाम जो काम करते हैं अस्पतालों के अंदर, वो सड़कों पर उतरे, बल्कि देश की जनता जो है करोड़ों की तादाद में लामबंद हुई इस बात को लेकर कि महिलाओं की सुरक्षा आखिर कब सुनिश्चित होगी। अस्पताल के अंदर अगर महिला की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है फिर महिला। और आप सबको मालूम है हमारे देश का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, ये एक तरह से जो है हर व्यक्ति को बराबरी का हक देता है, उसकी सुरक्षा का जो है इंतज़ाम करने का या जीने का अधिकार देता है। उस सारे विषय पर जो है जो वो वहाँ की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, वो फेल हुई और वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, उसने लीपापोती की। ये घटना पहली घटना नहीं है देश के अंदर। आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्टरों के ऊपर और जो अस्पतालों में काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी हैं, क्लास 4 से लेकर सफाई कर्मचारियों से लेकर वार्ड अटेंडेंट से लेकर सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तरह तरह के जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, सब किन परिस्थितियों में काम करते हैं। एक बहुत भारी बोझ होता है काम का, उस परिस्थिति में भी एक अच्छा काम करते हुए जनता को या मरीजों को जो सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आए दिन हमले होते हैं, उन पर आए दिन जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जघन्य हत्याएं या रेप जो इस तरीके की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है, जो कलकत्ता में जनता ने देखा। तो हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि संविधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए। बहुत पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो विशाखा गाइडलाइन जो जारी की उस वक्त जस्टिस जेएस वर्मा जी ने, मुख्य न्यायाधीश ने, और उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा को जो है उसको पुख्ता करने की बात कही थी, लेकिन वो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज 25 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज महिलाओं की सुरक्षा जो कार्यस्थलों पर सुनिश्चित नहीं हुई। आज भी महिलाओं के साथ जो है इस तरीके के हमले होते हैं, बर्बरता होती है, हिंसा होती है, जघन्य अपराध होते हैं। तो महिला भी तो आधी आबादी है हमारे समाज का, क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी ड्यूटी करने का हक नहीं है? क्या वो अगर ड्यूटी करने आती है तो किसी भी इंसान को इस पुरुष प्रधान समाज में ये हक है कि उसके साथ जो रेप कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए? तो जो विशाखा की गाइडलाइंस हैं उस वक्त की, आज से इतने साल पहले की, उनको भी जो लागू किया जाना चाहिए, संविधान को भी लागू किया जाना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जो लागू किया जाना चाहिए। और एक ऐसा कानून, अब वक्त इस बात की मांग कर रहा है, एक ऐसा कानून अब आना चाहिए जिसमें मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं
उनकी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, कड़क कानून एक बनना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरीके का काम का बोझ है डॉक्टरों के ऊपर, जो जिस तरीके से वो खुद भी 36 घंटे वो जो है रेजिडेंट डॉक्टर काम कर रही थी, 36 घंटे क्या इंसान जो है पूरे दुनिया में सन 1886 में 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर जो है एक लड़ाई हुई शिकागो के अंदर और पूरे अमेरिका के अंदर, और उसके तहत जो है पूरे दुनिया में जो कन्वेंशन है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इस तरीके के लगातार 36 घंटे के काम की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टरों की भारी कमी है, काम का बोझ है। इस सारे विषय में भी सरकारों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। रिक्त पदों को डॉक्टर हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अस्पतालों में जो काम करते हैं कर्मचारी मजदूर, उनके रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। तो सीटू राज्य कमेटी की ओर से आज हम एकजुटता प्रकट करने आए हैं कि जो कुछ कोलकाता के अंदर हुआ उसका न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये रिपीट ना हो, इसके लिए एक कानून, सख्त कानून अमल में आना चाहिए। और डॉक्टर और जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं, मजदूर हैं या डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए जो है रिक्त पदों को तुरंत भरने की जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, और सरकारों को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जो खास तौर पर जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद जनता को उन्हीं से रहती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।